हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आपको आज तक 120 करोड़ रुपया संसद निधि आ गई है। उनकी जितने साल उनको आपने संसद बनाया 120 करोड़ रुपया तो उनकी संसद निधि है। आप मुझे बताइए कि आपके संदोल क्षेत्र में उन्होंने कितने काम किए या कितना पैसा अपनी संसद निधि से दिया। और कई बार तो मेरे को सुनने में आया कि इस साल की जो निधि है वो वापस चलेगी, और जो अपने संसद निधि अपने क्षेत्र में नहीं लगा सकता, मैं नहीं समझता कि उसको वोट देने का, जब वोट लेने का कोई अधिकार है। और सबसे बड़ी बात, वो केंद्र में केंद्रीय मंत्री है, और जब कोई मंत्री होता है उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने क्षेत्र में अलग अलग तरह के बड़े से बड़ा विकास करवा सकते हैं, बड़ी सी बड़ी स्कीमें लेकर आ सकते हैं, लेकिन उनका सिर्फ एक ही काम होता है, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या गांधी परिवार को कोसना और ये बताना कि मोदी जी बहुत बड़े नेता बन गए हैं, बार बार एक ही बात करते हैं। मैं उन्होंने हमीरपुर से रेल लाने की बात करी कि मैं उन्हें से मीरपुर के लिए रेल लाइन लेके आऊंगा। जब उनसे बार बार सवाल किए गए कि आपने दो इलेक्शन तो रेल लाइन से लड़ लिए, तो उनका जवाब ये आया कि आपने क्यों नहीं बनाई, तो उनका जवाब आया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पैसे नहीं दे रहे। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अभी 14 माह की सरकार में हुए, 14-15 माह, इससे पहले 5 साल आपकी सरकार थी। और वैसे भी रेल लाइन जो है, जो रेल लाइन का काम होता है वो केंद्रीय सरकार का होता है, प्रदेश का उसमें कोई रोल नहीं होता है। आप बातें करके, बड़ी बड़ी बातें करके आप वोट तो ले लेते हैं, लेकिन हमेशा झूठ बोलने की राजनीति करते हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, आपने बार बार अनुराग ठाकुर जी को जताया है, और एक तरफ मैं एक और बात बताना चाहूंगा, एक तरफ तो वो सरकार जो आपके बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है, एक तरफ वो सरकार हिमाचल प्रदेश की सरकार जो 14 महीने पहले बनी, और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जब मुख्यमंत्री बने तो शपथ लेने के बाद वो मत्था टेकने जब मंदिर गए तो वहां एक अनाथ आश्रम था। उस अनाथ आश्रम में जब पहुंचे, होता है कि चलो इन बच्चों को हम मिठाई दें और उसके बाद हम शुरुआत करें। जब वो मिठाई देने गए, उन्होंने देखा कि वहां बच्चों बच्चे जो और किस हालात में रह रहे हैं। उनके किचन में गए, वहां देखा कि खाने का कैसे प्रबंध होता है, वो किस अवस्था में रह रहे हैं, उनके जो जिस रूम में वो रहे सोते थे वो दिखा। तो उसके बाद उनके मन में आया कि ये बच्चे जो हिमाचल प्रदेश के बच्चे हैं, इनके लिए कुछ करना चाहिए। जैसे ही वो अपनी सीट पे बैठे, अधिकारी को बुलाया और पहला आदेश उनका ये था कि पूरे हिमाचल प्रदेश में देखा जाए कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके ना माता है ना पिता है। और 2 महीने के अंदर वो रिपोर्ट आई कि 4000 के करीब या 4000 से थोड़े ज्यादा ऐसे बच्चे निकले जिनकी ना माता थी ना पिता थे। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने उसी वक्त कैबिनेट की मीटिंग ली और ये कहा कि आज के बाद ये बच्चे अनाथ नहीं रहेंगे, ये बच्चे हिमाचल प्रदेश की सरकार ही इनकी माता होगी, हिमाचल प्रदेश की सरकार ही इनकी पिता होगी। और ये बोला कि जिस तरीके से एक पिता अपने बच्चे को खाने पीने का प्रबंध करता है, उस तरीके से उनको 4000 रुपया मंथली दिया जाएगा। और जब पढ़ाई शुरू करेगा उसकी पढ़ाई का खर्चा 27 साल तक दिया जाएगा। अगर आज वो बच्चा कोई इतना इंटेलिजेंट है, अगर वो डॉक्टर बनना चाहे तो उसकी डॉक्टरी की पढ़ाई का खर्चा भी वो सरकार करेगी। जैसे एक पिता अपने बच्चे को पढ़ाता है लिखाता है, चाहे उसको उसके लिए कर्जा क्यों ना लेना पड़े, फिर भी वो चाहता है कि उसका बच्चा जो है डॉक्टर बने इंजीनियर बने। उसी तरीके से सरकार जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे इंटेलिजेंट होंगे उनको वो डॉक्टर भी बन सकते हैं।